अमेठी में अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री आज भंडा फूट गया। शिवरतनगंज पुलिस ने मामले में दो शातिरों को गिरफ्तार किया। मौके से भारी मात्रा में अवैध तमंचे सहित बनाने वाले उपकरण बरामद हुए। अमेठी एसपी इलामारन ने मीडिया को बताया कि थानाध्यक्ष अमरेंद्र सिंह व एसओजी प्रभारी धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने मुखबिर की सूचना पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप सरैया सुल्तानपुर मोड़ के पास खंडहर मकान के अंदर अवैध शस्त्र बनाते हुए अभियुक्त कुलदीप तिवारी पुत्र गिरधारी तिवारी निवासी जुगराजपुर व जिब्राइल पुत्र कासिम निवासी कामवापुर थाना मोहनगंज को धर दबोचा। अभियुक्तों के कब्जे से 10 अवैध तमंचे 10 जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए। एसपी इलामारन ने इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रूपए इनाम देने की घोषणा की है। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनों लोग अवैध शस्त्र फैक्ट्री लगाकर तमंचा तैयार कर अगल बगल के जनपदों में अपराधियों को बेच देते हैं। इन गिरफ्तार अभियुक्तों व शस्त्र फैक्ट्री के संबंध में थाना शिवरतनगंज द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमेठी से रमेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।